दोस्तों, अगर आपको ब्लॉग वेबसाइट में इस तरह के इशू आ रहा है, वो भी गूगल सर्च कंसोल में आप देख सकते हैं कि यूआरएल इज़ अवेलेबल बाय टू गूगल बट आल्सो बट एज इशू। और नीचे चले जाएं तो आपको ब्लड काम का जो इशू है वो नज़र आ रहा है। तो ये ब्लड काम का जो इशू है वो आपको किस वजह से आता है वो मैं इस वीडियो में आपको सॉल्व करके बताऊँगा। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि बिल्कुल सही तरह समझ आ जाए। तो ब्लड काम पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ब्लड काम के नीचे आपको बिल्कुल नज़र आएंगे तो सारे इशू बिल्कुल टू वैलिड हैं और गुड जॉब्स इन्होंने दिखाई हुई है। ये मैंने सॉल्व करके बिल्कुल ओके कर दिया था। तो ये कैसे सोल्यूशन आएगा, कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे, वो ब्लड काम का जो एरर आपको ये आ जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने एम ए टी एम पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन को लाजमी प्रेस कर दें। तो अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वो मुबशरी खान फेसबुक पेज को भी आपने लाजमी फॉलो कर देना है। दोस्तों, आपने करना क्या है कि जिस आर्टिकल पर ये आ रहा है, ब्लड काम का इशू आ रहा है, उसे आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इधर आपने एक मिस्टेक की होती है जिस आर्टिकल में, उस वजह से आपको ब्लड काम का जो ये इशू है वो आ रहा होता है। तो आपने क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि डीएम बसर वेबसाइट का जो ब्लॉग का जो ये आर्टिकल है, अगर आपने विज़िट नहीं किया है तो वो डीएम बसर ब्लॉग वेबसाइट को आप विज़िट भी करके मज़ीद आर्टिकल आप रीड कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आर्टिकल मैंने ऑलरेडी इधर पब्लिश किए हुए हैं। तो आपने इधर जो लेबल पे आप देख सकते हैं कि आपके अंदर लेबल कोई नहीं लगा होता है, जिस वजह से आपको ब्लड काम का ये इशू जो है वो आ रहा होता है। आपने अंदर कोई ना कोई सिलेक्ट कर लेना है लेबल। लेबल आपने जो आपके रिलेटेड आर्टिकल है वो सिलेक्टेड आपने जो लेबल है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, लेबल सेलेक्ट करने के बाद अब आपने जो आर्टिकल के जो इससे आपने अपडेट लाजमी करना है, अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। ये सारा काम आपने अपने ब्लॉग वेबसाइट पे करना है। अच्छा, वेबसाइट पे करने के बाद अब आपने वापस चले जाना है, गूगल सर्च कंसोल को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यूआरएल इंस्पेक्शन पे चले जाना है। वहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने जो उस जो आर्टिकल में इशू आ रहा था ब्लड काम का, उस आर्टिकल का जो यूआरएल है वो आपने इधर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये इंडेक्स करने के जो बताएगा कि इशू है या नहीं। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने जो यूआरएल इज़ अवेलेबल टू गूगल, ये इशू ऑटोमेटिकली सॉल्व हो चुका है। तो आप इसे मज़ीद रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करके आप इसे ओके कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह आप अपने जो ब्लड काम का जो इशू है वो आपके ब्लॉग वेब से जो किसी भी पोस्ट पर आ रहा होता है उसे आप इसे आसानी के साथ फेस कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखने का शुक्रिया।